बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बूढ़े हो जाओ तो लोग समझते हैं आप कमजोर हो गए हो। दिन में दो बार ये तरकीब करने से झुर्रियां गायब हो जाती हैं और आप जवान नजर आते हो। सही कहा, आप बहुत मेहनत कर रही हैं मलिका। अच्छा बताओ यहाँ क्यों आई हो? आपके हुक्म के मुताबिक मैंने सब सीखा, शाही महल के तौर तरीके और तहसीब बहुत अच्छे से सीख गई हूँ मैं। हमें ये सुनकर खुशी हुई। चलो बहुत हुआ, हटो अब। ठीक है मलिका। मुझे कल की बहुत थकन थी, बादशाह के साथ रात गुजारने को मेरा जरा भी दिल नहीं चाह रहा था। फिर मैंने सोचा इसकी क्या वजह हो सकती है। महल के सारे तालाबों में से पानी जो निकाल दिया है, इसीलिए यून की ताकत कम हो गई ना। अगर तालाब दोबारा भर दिए जाए तो शायद फिर शाही वारिस पैदा कर सकूं मैं। ऐसा नहीं हो सकता। तेरी तो तालाब में गिरने से आप मर भी सकती थी। इस हादसे के बाद शाही कानून के मुताबिक तमाम कनीजों को सजाए मौत सुना देनी चाहिए थी, लेकिन हमने दिल बड़ा करके उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि निकाह के मौके पर हम खून खराबा नहीं चाहते थे। अगर तालाब में पानी भरवाना है तो शाही कानून के मुताबिक चलना होगा। आपके साथ मौजूद तमाम कनीजों को लापरवाही दिखाने पर और आपका ख्याल न रखने पर सजाए मौत दी जाएगी। ये आंटी तो मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक निकली। तीन रातों में बादशाह के साथ वक्त गुजार के मैं आपको शाही वारिस की खुशखबरी दूंगी, तब तो आपको तालाब में पानी भरवाना होगा। सात रातें, पांच। हमारा हुक्म सुनो, तमाम कनीजों को सजाए मौत दे दो। सात रातें, यही ठीक रहेगा। सात रातों में आपको वारिस की खुशखबरी दे दूंगी, वादा करें दोबारा तालाब में पानी भरवाएंगी। बच्चे की ऐसी की तैसी, वापस अपने वक्त में जाना है मुझे। खातून आला जहुआजन मिलने आई है। हाय, जैसी तारीफ सुनी थी तुम्हारी बिल्कुल वैसी ही हो। बादशाह का इंतखाब औरतों के मामले में बहुत आला है। आपकी तारीफ का बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से तोहफा, इन चीजों का पास रखे बगैर महल में जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती।